हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं। अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले। दोस्तों, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वुमेन्स एजुकेशन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये चैप्टर नया हमारा इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने पुराने चैप्टर्स ट्वेल्थ इंग्लिश के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चैप्टर है हमारा नया वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाई डॉक्टर राधाकृष्णन। अच्छे से पूरा वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप अगर नए आए हैं चैनल पर तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम पैसेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। इसमें आपको पैसेज दिया रहता है, उसका आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना रहता है। तो चलिए आपको समझाते हैं कैसे कैसे क्या करना रहेगा। सबसे पहले पैसेज, फर्स्ट पैसेज, यू आर लिविंग इन डॉट 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 ऑफ योर वर्क 2013 और 2018 में ये वाला पैसेज पूछा गया। तो फर्स्ट रेफरेंस हेडिंग डालेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाई एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्टेक्स्ट, इन दिस लेसन द ऑथर सेज एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। ही एडवोकेट्स दैट अ इवोल्यूशनरी चेंज शुड बी ब्रॉट अबाउट इन द एजुकेशनल पैटर्न especially for women. He wants that the education should be according to the needs of the present time. Next हम heading डालेंगे explanation. The author makes it clear that we are now living in an age which is much different from the previous ones. There were times when women were kept confined within four walls of their houses, but now women are free to come out of the house and work in different fields in life, social, public and administrative. They have a lot of opportunities in their field. However, these need some prerequisites. They should have disciplined thinking and controlled manners. They should be honest in their dealing. Whatever they do, they should do it honestly. Take such steps, they will get success in their work. Besides, they will get joy in work. तो ये हमारा explanation यहाँ पे complete हो गया है। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। एक्चुअली इन योर कंट्री डॉट 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 ब्लंडरिंग एंड बिटर 2018 में आया हुआ था। तो इसका रेफरेंस जो रहेगा ऊपर वाला, कौन ऊपर वाले पैसेज का जरा सेम रहेगा, रेफरेंस सब का सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन चेंज होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कॉन्टेक्स्ट, इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अस द एजुकेशन particularly about girls' education in our country. The girls' education is not widespread, so we should encourage every institution which contributes in spreading and the girls' education. अब हम context explanation heading डालेंगे। In these lines, the author describes the types of education he wants. There are two essentials of good education, broad education and deep education. No doubt the education given in our schools and colleges is very wide, but it is lacking in depth. We should not be satisfied only with learning and skill.
बट वी शुड अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ आवर लाइफ विद नोइंग द पर्पज वी शैल बी मिसगाइडेड वी शैल डू मिस्टेक्स एंड आवर लाइफ विल बी पेनफुल। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैसेज है therefore it is essential yourselves। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। द राइटर फील्स दैट आवर एजुकेशन इज लैकिंग इन ऑब्जेक्टिव और गोल दी वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ मे बिकम एमलेस एंड बिटर। एक्सप्लेनेशन, टू अवॉइड बिटरनेस एंड एमलेस इन आवर लाइफ it's essential that the education which we gain in the schools and the colleges should serve at least two purpose besides other one. First it should add to our knowledge and dexterity or expertness. Secondly, it should provide us with a clearly defined purpose in life. Our efforts must be in direction of achieving some purpose or the other. As regards the purpose, we have our outline it ourselves depending upon our needs. तो यहाँ तक कि हमारा ये हमारा passage of comprehension complete हो गया है। Women's of Education written by Dr. राधाकृष्णन। इसका मैंने PDF अपने वीडियो के description box में दे रखा है, आप सभी लोग तुरंत जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।